आप सब लोग अपना काम छोड़ करके यहाँ हमको सुनने के लिए आए हैं, इसकी क्या जरूरत है? इस पे जब आप गौर फरमाएंगे तो आपको एक बड़ी मजेदार चीज पता चलेगी। लोकतंत्र और जमहूरियत दरअसल नेता के लिए नहीं है, वो है जनता के लिए। लेकिन ऐसी साजिश रची गई है, ऐसा खेला खेला गया है कि लोकतंत्र को लोगों ने अपने पॉकेट का माल बना लिया है। पहले क्या करते हैं, पहले हिमायती बनकर, हमदर्द बनकर, हाथ जोड़कर ऐसे पैर में लटक जाएंगे, लगेगा कि इनसे अच्छा आदमी तो है ही नहीं धरती पे। और जब अपना कैरियर बन जाएगा, अगला कैमरा तो जब खुद नेता बन जाएंगे, खूब माल कमा लेंगे, कई जगह पे जो है अपना घर द्वार बना लेंगे, हेलीकॉप्टर का जुगाड़ कर लेंगे, तब बेटा को नेता बनाना शुरू कर देंगे। नहीं, सवाल ये है, लोकतंत्र नेता के लिए था नहीं, लोकतंत्र तो जनता के लिए था। तो इस चुनाव में भी आप जब गौर से देखेंगे तो जनता के सवाल गायब हैं। ठीक बात है, बेगूसराय की खूब चर्चा हो रही है, जो चैनल लगाइएगा उस पर बेगूसराय हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, 4.5 लाख भूमिहार, 2.5 लाख मुसलमान, 3 लाख कुर्मी, यही हो रहा है, यही हमारा सवाल है क्या? नहीं। अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो उसमें खाली मुसलमान पढ़ेगा कि हिंदू भी पढ़ेगा? सब पढ़ेगा। अस्पताल अगर बनेगा तो सिर्फ मुसलमान का इलाज होगा कि हिंदू का भी इलाज होगा? सबका। तो ये सवाल क्यों नहीं है, क्यों नहीं ये दिखाया जा रहा है टीवी पर कि बेगूसराय में 1996 के बाद जब शत्रुघ्न बाबू एमपी थे, एक भी नया संस्थान नहीं खुला है? और आपके मोहल्ले में तो नहीं आते होंगे बीजेपी वाले, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि आप वोट उनको नहीं दे रहे। लेकिन जिसके मोहल्ले में जाते हैं उसको कह रहे हैं, उनके पास दो ही एजेंडा है, एक देखिए कन्हैया को वोट नहीं दीजिए। क्यों नहीं वोट दीजिए भाई, वो देशद्रोही है। अब एक बात बताइए, जो हम देशद्रोही हैं तो हम चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? और तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम कहते हो जिसके पास 56 इंच का सीना है वो क्या कर रहा है, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? चुनाव आयोग भी देशद्रोही है क्या? इस देश में देशद्रोही कैसे चुनाव लड़ सकता है? इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। तो आजकल एक नया जवाब देना शुरू किए हैं, देखिए कन्हैया को जिता दीजिएगा, अब ये मानने लगे हैं कि कन्हैया जीत सकता है। तो कहते हैं कि कन्हैया को जिता दीजिएगा तो एक सांसद बनकर के क्या करेगा बताइए? खाना जब आप बनाते हैं, तो खाने में एक चुटकी नमक यदि कम हो जाए और एक चुटकी नमक यदि ज्यादा हो जाए तो खाने का स्वाद बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? बिगड़ जाता है। आप अपना आशीर्वाद दीजिए, बिना सांसद बने ही इनको हम नानी का याद दिला देंगे। कि कोई कुछ नहीं दिया है आपको, हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है और हम आपकी जिंदगी बदल देंगे, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, मुंह तो चलाना था, हमको भाषणबाज कहते हैं, तुमसे तो ये भी नहीं हो पाया दोस्त कि तुम मोदी के खिलाफ भाषण भी दे पाते, बोलने के लिए भी तो दम चाहिए, है तुम्हारे पास दम? क्यों नहीं बोले, कम से कम बोल ही देते। बिल्कुल ठीक बात है, हमने इस देश में किसी के लिए कुछ नहीं किया है, हम कुछ करने की स्थिति में भी नहीं थे, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कल को हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। आपका जो है, आप दुकान चलाते हैं तो नहीं, आप दुकान नहीं चलाएंगे, आप बड़ा सा होटल चलाने लगेंगे,
आप अगर जूता सिलते हैं तो आप जूता नहीं सिलेंगे, आप बाटा कंपनी के मालिक हो जाएंगे। आप जो है ठेला चलाते हैं तो आप ठेला नहीं चलाएंगे, 1000 ट्रक आपका चलना शुरू हो जाएगा। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं कि अगर आपके साथ गलत होगा तो मुखरता से उस आवाज को उठा सकते हैं उसके खिलाफ। ये तो कर सकते हैं कि किसी के सुख दुख में जाकर के खड़े हो सकते हैं। ये तो कर सकते हैं कि बूढ़ा बाप जिसके बच्चे को भीड़ ने रौंद करके मार दिया उसकी कपकपाती हाथ को पकड़ करके एक ढाढ़स बधा सकते हैं। ये तो कर सकते हैं। ये तो कर सकते हैं कि हो गए प्रधानमंत्री तुम अपने जगह पे, लेकिन ये देश तुम्हारे बाबूजी का नहीं है। तो तुमसे हम सवाल पूछ सकते हैं, ये लोकतंत्र की ताकत है। ये तो कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ कि अभी तो खेला का आधा हिस्सा हुआ है, खेला का आधा हिस्सा होना अभी बाकी है। अभी तो तरह तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं, उन अफवाहों को नया रूप देना बाकी है। इसलिए मैं आपको आगाह करने आया हूँ कि हम लोग इस देश के एक ऐतिहासिक जंग का नजारा देखने वाले हैं। वो ऐतिहासिक नजारा ये है कि एक तरफ वो लोग हैं जो इस गुलिस्तान को तबाह कर देना चाहते हैं। आप सोच कर बताइए, किसी बूढ़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, बेगूसराय जिला में सभी जाति सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, पहली बार बकरीद हुआ है क्या? पहली बार दुर्गा पूजा हुआ है? पहली बार मुहर्रम का ताजिया निकला है या पहली बार रामनवमी का शोभा यात्रा निकला है? कि पता नहीं कितने हजार साल से ये निकलता आ रहा है। ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद कि बेगूसराय में जो आज तक नहीं हुआ उसको करने की कोशिश की गई? विभाजन से लेकर के आज तक मुझे बताइए कि बेगूसराय में हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा हुआ हो? हर बार कोई ऐसा मौका नहीं गुजरा जब बेगूसराय में यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की गई। इस पर गंभीरता से सोचिएगा, ये चुनाव है और इस चुनाव में भी यही करने का प्रयास किया जा रहा है। अपने आप ये बात नहीं फैल रही है कि नहीं नहीं मुसलमान वोट कहाँ दे रहा है, मुसलमान तो वोट ही नहीं देगा, मुसलमान तो मुसलमान को वोट देता है, ये बात बोली जा रही है। ये बात बोला जा रहा है कि भूमियार वोट ही नहीं दे रहा है, भूमियार तो उसको वोट देगा ही नहीं। अब भूमियार उसको वोट देगा नहीं, मुसलमान का वोट आप बांट दीजिएगा तो गिरिराज जीत जाएगा। ये जादूगरी करते हो, ईद हाथ में सिक्का डाल करके ईद हाथ से नोट बना दोगे, जादू चल रहा है क्या देश में? वोट देंगे कन्हैया कुमार को, जीत जाएगा गिरिराज। ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो तभी होगा ना जब ईवीएम मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। और ईवीएम मशीन अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है वो तो एक अलग मसला है, लेकिन चुनाव से पहले ही ये हवा बनाने की क्या मतलब है कि वोट कन्हैया को दीजिएगा तो गिरिराज जीत जाएगा? इस साजिश का मतलब समझते हैं? इस साजिश का मतलब ये है कि जानबूझ करके बेगूसराय में ऐसी परिस्थिति पैदा की गई ताकि यह जो लोकतंत्र की लड़ाई है, यह जो जमहूरियत की आवाज है, उसको कमजोर किया जा सके। आप सोच करके बताइए, 543 सीट में अगर सबसे पहले कोई सीट कंफर्म था तो वो बेगूसराय लोकसभा सीट कंफर्म था, ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। कौन ऐसी परिस्थिति पैदा किया कि मोदी जी अपना एगो पहलवान लेकर के आए? क्या नाम है? गिरिराज नहीं, गिरिराज नाम है। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। देखिए प्रत्याशी है, दे दीजिए ना, 10 दिन ही तो इज्जत देना है, दे दीजिए। गिरिराज जी को लेकर के आए हैं। अब गिरिराज जी जो है ऐसे प्राणी हैं कि वो कह रहे थे कि हम बेगूसराय जाएंगे ही नहीं। काहे इतनी घबराहट थी भाई साहब बेगूसराय आने में? बेगूसराय के लोग इतने खूंखार तो नहीं होते हैं कि बेगूसराय आने में आपको डर लग रहा था? क्यों घबरा रहे थे? क्योंकि गिरिराज जी ने अपने सूत्रों से पता कर लिया था कि
बेगूसराय का माहौल इस बार कुछ और है। बेगूसराय के लोग इस बार नारा लगा रहे हैं, बाहरी को भगाना है, अपने लाल को जिताना है। लेकिन किसी तरह से उनको समझाया बुझाया गया और समझा बुझा करके भेजा गया कि देखो हम लोग वहाँ मामला त्रिकोणिया कर देंगे, और मामला जब त्रिकोणिया हो जाएगा तो तुम सीट जीत जाओगे। यही बात जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी को भी समझाई गई है कि हम मामला त्रिकोणिया कर देंगे, तुम जो है सीट जीत जाओगे। एक तो समझाया जा रहा है कि भूमियार का वोट आपस में बटेगा, आप जीत जाइएगा। दूसरे को ये समझाया जा रहा है कि मुसलमान का वोट आपस में बटेगा, आप जीत जाइएगा। खेला चल रहा है, बेगूसराय हरेक माल का दुकान है, सब्जी 10 रुपया में मिलेगा। इस बार बेगूसराय के लोगों ने अपने मन में ठान लिया है, और मैं आपको कह देता हूँ कि अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। गांव-गांव अगर भरोसा नहीं है मेरी बात का तो गांव-गांव घूम करके देख लीजिए। गांव-गांव में सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, नेता नहीं बेटा को जिताएंगे। इसीलिए ये जो आवाज है, इस आवाज को गुमराह करने के लिए एक नई साजिश रची गई है, और इसलिए मैं आप तमाम लोगों को आगाह करता हूँ, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हों और उस गांव में माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे आग्रह करता हूँ, चुनाव भर आप शांत रहिए, चुनाव भर आप अपनी सब्र का परिचय दीजिए, क्योंकि गेटअप बदल करके आपके सामने आएगा। गेटअप क्या होता है? गेटअप ये होता है कि देखिए मेरे पास दाढ़ी है, टोपी लगा दीजिए, कुर्ता पजामा पहना दीजिए, लोग कहेगा मुसलमान है। दाढ़ी मुड़ा दीजिए या दाढ़ी रहने दीजिए, बड़ा सा जो है तिलक लगा लेते हैं, हाथ में धागा बांध लेते हैं, लोग कहेगा हिंदू है। और हिंदू बन करके मुसलमान को पीटने का वीडियो बनाया जाए, और मुसलमान बन करके हिंदू को पीटने का वीडियो अगर बनाए तो समाज में ध्रुवीकरण होगा, और इस ध्रुवीकरण की साजिश रची जा रही है। यही साजिश ये जनाब जो हैं नवादा से रच करके आए हैं, वहाँ से सीख करके आए हैं। इस बात का कान खोल करके सुन लीजिए। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, सजग रहिए, सचेत रहिए, अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए, और मन में बस एक बात ठान करके रखिए कि 5 साल हमने जो तकलीफ उठाई है 29 तारीख को करारा जवाब देंगे इनको, मुंहतोड़ जवाब देने का काम। 29 तारीख को आप अपना काम कीजिए, और 29 तारीख के बाद हम अपना काम करेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि मोदी आपको जितना जोर लगाना है लगा ले, बेगूसराय के इस गुलिस्तान को बर्बाद नहीं करने देंगे हमारे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ कि ये चुनाव एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक झंडे का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश में सही और गलत के बीच का चुनाव है। और हमको पूरा भरोसा है कि इस बार अपने दिल की आवाज को आप सुनेंगे, दल से नहीं दिल से वोट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। और इत्तेफाक की एक आखिरी बात सुन लीजिए, ये हमने नहीं किया है, चुनाव आयोग हमारा नहीं है। इत्तेफाक की बात ये है कि हम गिरिराज जी के माथा पर बैठ गए हैं, उनका नंबर 2 है और हमारा नंबर 1 है।